अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 बहरिया फाउंडेशन कॉलेज मुशर्रफ रोज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने स्कूल का काम जो है वक्त पर कर रहे होंगे, ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी उर्दू टीचर आसान उर्दू की किताब के साथ। आज हम एक नए सबक से वाकफियत हासिल करेंगे। आज का जो हमारा उनवान है वो एक मुग़ल दौर का उनवान है। आइए उस सबक से वाकफियत हासिल करते हैं। बुक पेज नंबर 58 पर हमारा आज का जो सबक है वो है शालामार बाग। डियर स्टूडेंट्स, मुग़ल बादशाहों को खूबसूरत इमारतें तामीर कराने और बाग लगवाने का बहुत शौक़ था। उन्होंने मुख्तलिफ बागात, इमारतें, मकबरे और किले बनवाए जिन्हें देखकर हैरत और खुशी होती है। मुग़लों की एक यादगार लाहौर का शालामार बाग है जो शाहजहाँ ने अपने मशहूर मीर इमारत अली मर्दान खान की निगरानी में लगवाया था। शाहजहाँ ख़ास तौर पर खूबसूरत तामीरात का बड़ा ज़ौक रखता था। वो चाहता था कि कश्मीर के शालामार बाग की तर्ज पर लाहौर में भी एक शानदार बाग लगाया जाए। अली मर्दान खान ने बड़ी जस्तजू के बाद इस जगह का इंतखाब किया जहाँ ये बाग लगाया गया है। इस बाग को सैराब करने के लिए दरियाए रावी से माधोपुर के मकाम पर एक नहर निकाली गई। शालामार की तामीर सन 1637 में शुरू हुई और ये 5 साल में मुकम्मल हुआ। कोई 6 लाख रुपए इस पर सर्फ हुए। नहर की तामीर के अखराजात अलग थे। बाग के मुकम्मल होने पर सन 1642 में शाहजहाँ लाहौर आया और इस बाग की खूबसूरती, इसकी शानदार इमारतें, हमाम, बारादरी, आबशार, तालाब, संगे मरमर और संगे यशब के तख्त और फुवारे देखकर बहुत खुश हुआ। शालामार बाग के 7 तख्ते थे जिनमें से अब सिर्फ 3 बाकी रह गए हैं। उनमें से एक का नाम फैज़ बख्श है, दूसरे का नाम हयात बख्श है और तीसरे का नाम फरहत बख्श है। ये बहुत ही खूबसूरत इमारत है, संगे मरमर से तामीर की गई हुई है। बारादरी के नीचे आबशार जारी है। इसका पानी तख्त के नीचे से होकर बड़े तालाब में चला जाता है। आबशार और तख्त दोनों संगे मरमर के हैं और दोनों दूसरे तख्ते की जीनत हैं जिसका नाम हयात बख्श है। डियर स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क ये है कि इस मुकम्मल सबक की आप खुद से पढ़ाई करेंगे। इसके अलावा आप जो है एक मुख्तसर सा नोट लिखेंगे शालामार बाग के हवाले से अपने अल्फाज में, जो कम से कम 8 से 10 जुमलों पर मुश्तमिल होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमेशा की तरह इस सबक में भी कुछ मशकी सवालात और जवाब थे, इंशाल्लाह ताला हम वो भी फेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना काम वक्त पर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।